जम्मू काश्मीर अनंतनाग जिला में सुरक्षा दलों और आतंकवादियों वच्चे अथड़ामण थई। आथड़ामण में सुरक्षा दलों बे आतंकियों ने ठार कर्या। सेनाना पोचगिरी विस्तार में आतंकवादियों छुपाया होवाना इनपुट्स मळ्या हता, तेना पछी सर्च ऑपरेशन शुरू करवामां आव्युं हतुं। तलाशी दरमियान आतंकवादियों सुरक्षा दलों पर फायरिंग कर्युं अने तेना पछी अथड़ामण शुरू थई। काश्मीरना एडीजीपीए जणाव्युं कि मार्या गयेला आतंकवादियोंनी ओळख दानिश भट्ट उर्फे कोकब दूरी अने बराशत नबी तरीके थई छे। बांग्लादेशना प्रधानमंत्री शेख हसीना चार दिवसीय भारत मुलाकाते छे। तेमणे दिल्हीना हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी साथे मुलाकात करी। पीएम मोदीए कह्युं कि भारतनी पड़ोसी प्रथमनी नीतिमां बांग्लादेश प्रमुख भागीदार रह्युं छे। अमे परस्पर सहयोगथी बंने देशना लोकोनी रोजगारीमां सतत सुधारो करी रह्या छे। आईटी, अंतरिक्ष अने न्यूक्लियर एनर्जी सहितना सेक्टर तरफ आगळ वध्या छीए। आगामी 25 वर्षमां भारत बांग्लादेश संबंध नवी ऊंचाईए आंबशे। વડાપ્રધાન મોદી અને શેખ હસીનાએ આતંકવાદ, કટ્ટરવાદ અને ગ્લોબલ વોર્મિંગ સહિતના વૈશ્વિક મુદ્દાઓ પર પણ ચર્ચા કરી હતી। બિહારમાં ભાજપને સત્તાથી દૂર કર્યા બાદ નીતિશકુમાર મિશન 2024ની તૈયારીમાં લાગી ગયા છે। આ કડીમાં સોમવારે તેઓ દિલ્હીની 3 દિવસની મુલાકાતે છે। પહેલા દિવસે તેમણે વિપક્ષના 5 મોટા નેતાઓ સાથે મુલાકાત કરી, જેમાં કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધી, કર્ણાટકના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને જેડીએસના નેતા એચડી કુમારસ્વામી, સીપીએમના મહાસચિવ સીતારામ યેચુરી, દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ અને એનસીપી સુપ્રીમો શરદ પવાર સાથે વિપક્ષી એકતા માટે ચર્ચા કરી છે। મહારાષ્ટ્રમાં રાજકીય સંકટ વચ્ચે મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેના જૂથે સુપ્રીમ કોર્ટમાં તાત્કાલિક સુનાવણી માટે વિનંતી કરી છે। શિંદે જૂથ તરફથી વકીલ નીરજ કિશન કોલે મુખ્ય ન્યાયાધીશને વિનંતી કરી, મામલો 5 જજોની બંધારણીય ખંડપીઠને મોકલવામાં આવ્યો, તેના કારણે ચૂંટણી પંચ અસલી શિવસેના પર નિર્ણય કરી શકતી નથી। મુખ્ય ન્યાયાધીશ યુ લલિતે કહ્યું હતું કે બુધવારે ખંડપીઠ બેસશે, પછી જોઈએ કે મહત્વપૂર્ણ છે કે 25 ઓગસ્ટે સુપ્રીમ કોર્ટે 3 માસની સુનાવણી બાદ કેસને બંધારણીય ખંડપીઠને હસ્તાંતરિત કરવામાં આવ્યો। શિવસેનાનો વિવાદ 20 જૂનથી શરૂ થયો હતો। શિવસેનાના નેતા અને મહારાષ્ટ્રના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી ઉદ્ધવ ઠાકરે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પર નિશાન સાધ્યું। માતૃશ્રી ખાતે શિવસૈનિકોને સંબોધિત કરતા ઉદ્ધવ ઠાકરે અમિત શાહ પર નિશાન સાધતા કહ્યું કે ગદ્દારોની ભીડથી યુદ્ધ જીતી શકાય નહીં, પરંતુ મુઠ્ઠીભર વફાદારોથી યુદ્ધ જીતી શકાય। તેમણે કહ્યું કે ગઈકાલે મુંબઈમાં મંગલમૂર્તિ અને અમંગલમૂર્તિ બંને દેખાયા, મારી પાસે હવે માત્ર વફાદાર શિવસૈનિકો છે, વફાદારી વેચાઈ શકતી નથી, ચાહે કોઈ પણ બોલી લગાવી લો। दारू कौभांड मामले फरी एक बार ईडीए कार्यवाही करी। ईडीए एक साथ 35 स्थले दड़ोरा पड़ा था, जेमा दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, यूपी, मुंबई, बेंगलुरु, पंजाब शहरों में रेड पाड़ी दारूना वेपारी ईडी निशाना पर छे। दिल्ली जोरबाग में रहता एक वेपारी परिवार ने ईडी टीम पोतानी साथे लई रवाना थी। ईडी ने कार्यवाही मुद्दे दिल्ली नायब मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया केन्द्र सरकार पर आक्षेप कर्या। टाटा सन्सना भूतपूर्व अध्यक्ष सायरस मिस्त्रीनो मंगलवारे मुंबईमां अंतिम संस्कार करवामां आव्यो। रविवारे कार અકસ્માતમાં સાયરસ મિસ્ત્રીનું મોત નિપજ્યું હતું। તેઓ 54 વર્ષના હતા। મધ્ય મુંબઈના વલ્લી સ્મશાનગૃહમાં અંતિમ સંસ્કારમાં પારસી સમુદાયના સદસ્ય, કેટલાક અગ્રણી કારોબારીઓ અને રાજનેતાઓ સામેલ થયા। દિગ્ગજ ઉદ્યોગપતિ રતન ટાટાના સાવકા માતા સિમોન ટાટા પણ અંતિમ સંસ્કારમાં સામેલ થયા। સિમોન ટાટા વિશેષ વેન દ્વારા વ્હીલચેર પર સ્મશાનમાં પહોંચ્યા હતા। टाटा ग्रुपना भूतपूर्व चेरमेन सायरस मिस्त्रीनी कारने जे अमदावाद मुंबई हाईवे पर અકસ્માત थयो तेने केन्द्रीय सड़क परिवहन अने राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरीए पण खतरनाक मान्यो। सायरस मिस्त्रीनी कार ओवरटेकिंग दरमियान सूर्या नदीना पुल पर रोड डिवाइडर साथे टकराई हती। गडकरीए कह्युं के अमदावाद मुंबई एक्सप्रेस वे पर ट्राफिक वोल्यूम 1,25,000 पेसेंजर कार युनिटनुं छे, माटे अहीं ड्राइविंग दरमियान टक्करनी संभावना घणी वधारे छे। कोरोना महामारीए समग्र विश्वमां विनाश वेर्या बाद हवे फरी आ कोरोना वायरस फूफाड़ा ना मारे ते माटे सरकार अने दवा बनावती कंपनीओ झड़पथी विविध वेक्सिननी शोध करी रह्या छे। त्यारे भारतनी प्रथम नीजल कोरोना वेक्सिनने रेग्युलेटरी मंजूरी आपी। भारतने अत्यार सुधीनी सौथी भयानक महामारी माटेनी प्रथम नीजल वेक्सिन मळी गई। 15 ऑगस्टे कंपनीए जाहेरात करी हती कि आ वेक्सिननुं त्रीजुं अने अंतिम ट्रायल सफळतापूर्वक पूर्ण थयुं हतुं। દેશના પશુપાલકો અત્યારે લંપી સ્કીન રોગથી ખરાબ રીતે પ્રભાવિત છે।
सरकारी आंकड़ा अनुसार 31 ऑगस्ट सुधी 49,628 गौवंश मौत थी चुक्या छे। केन्द्रीय पशुपालन और डेरी विभाग अनुसार 12 राज्यों 165 जिला आना प्रभावित है और 2 करोड़ पशु आ बीमारी की चपेट में आवा आशंका है। कृषि मंत्रालय अधिकारी अनुसार बीमारी 24 राज्य में फैलाई चुकी है। अंदमान और निकोबार द्वीप समूह सुधी आना संक्रमण की गायों मौत थी रहा है, परंतु आ भारे संकट छता राज्य सरकार ने महामारी जाहिर कर रही नहीं। कर्नाटक बेंगलुरु में भारी वरसाद बाद तंत्रनी पोल खुली गई। वरसाद बाद शहर पौष विस्तार जलमग्नकार थयो। बेंगलुरु में वरसादी पानी ना कारणे शहर रस्ताओ पहलेथी ज दरिया में फेरवाई गया था, त्यारे आवी स्थिति में तळाव में पानी नी लोकोनी मुश्किली बमणी थई। समग्र रिंग रोड पानी में गरकाव जोवा मळ्यो। बेंगलुरु नी शेरीओ में पूर आव्यु त्यारे अनेक रहेणाक विस्तारों में पानी भराया हता। बेंगलुरु पौष विस्तार में रेनबो ड्राइव और सनी ब्रुकर्स पर पानी भराई गया हता। कर्नाटक में पाटनगर बेंगलुरु में सामान्य जनजीवन भयंकर रीते असरग्रस्त थई रह्युं छे। कर्नाटक प्रदेश युवा कांग्रेस कमिटी अध्यक्ष मोहम्मद हारिस नलपड़ी कार्यकर्ताओं साथे कर्नाटक सरकार सामे प्रदर्शन कर्युं। शहर में गंभीर जल भरावाना समाधान की मांगणीने लईने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पानी में दाखल थई सूत्रोच्चार कर्या हता। कांग्रेस प्रदेश युवा अध्यक्ष रबर ट्यूब तरता देखाया हता। भारतीय किसान संघ द्वारा विविध मांगणीओ ने लईने छेल्ला 13 दिवसीय गांधीनगर में धरना चाली रहा छे, त्यारे मंगलवार रोज किसान संघ की जिला और प्रदेश की महत्वनी बैठक मळी, जेमां दुख व्यक्त करता जणाव्युं के सरकारे जगतना तातने छेल्ला 13 दिवसीय बेसाड़ी राख्या छे। जो आगामी समय में मांगणी नहीं संतोषाय तो खेडूतो गामडे जई स्थानिक धारासभ्य और मंत्रीओना घरे धरना करशे। तेमज भारतीय किसान संघना प्रमुखे वधुमां कह्युं के सुधरी जाओ तो सारू, बाकी सचिवालय जता वार नहीं लागे। खेडूतो खुला आकाश में नीचे सूवे छे त्यारे मुख्यमंत्री एसी में सूवे छे। तेमणे कह्युं के खेडूतोना प्रश्ननुं सोल्युशन लावा माटे सरकार द्वारा जे समिति बनाववामां आवी छे ते समितिमां पण रावणो बैठा छे, तेम भारतीय किसान संघे जणाव्युं हतुं। विधानसभा चूंटणी पड़घम वगी चुक्या है, तारी गुजरात कांग्रेस मोटा समाचार सामे आव्या। गुजरात कांग्रेसे विधानसभा चूंटणी माटे उम्मीदवार पसंदगी प्रक्रिया शुरू करी। 11 सप्टेम्बर सुधी टिकीट मेळवा मांगता लोग दावेदारी करी सकशे। आगामी 21, 22 अने 23 सप्टेम्बरे इलेक्शन कमिटी की बैठक मळशे, जेमां दावेदारों पेनल बनावीने स्क्रीनिंग कमिटी समक्ष रजू कराशे। विधानसभा चूंटणी पहला कांग्रेस हाथ छोड़ना विश्वनाथ वाघेला ने विनयसिंह तोमर भाजप में जोड़ाया। गोर्धन झड़फिया हस्ते भाजपा खेस कराव्य। महत्व है कि भाजप कार्यालय कमलम में भर्ती मेड़ो यथावत है। आ कार्यक्रम में 1,000 कार्यकर्ताओं हाजर रहना था, जो कि भाजपा भर्ती मेला ने जाने के फियास्को थो। भर्ती मेला में कार्यकर्ताओं न पहुंचता खुर्शी खाली जवा मिली, जी भाजपा कार्यकर्ताओं आ खुर्शी हटावा फरज पड़ी। विश्वनाथ वाघेला कांग्रेस पक्ष छोड़ी विधिवत रीते भाजपा में जोड़ाई गया, त्यारे कांग्रेस नेता पार्थिवराज पटवारियाए आ मामले निवेदन आपता कहूं कि पोताना फायदा माटे आटलू मोटू पद छोड़ी विश्वनाथ गया छे। तेवो भले भाजप में गया होय पण तेमनी साथे 3% युवानो पण कांग्रेस में भाजप में गया नहीं। साथे तेमणे वधुमां कहूं कि थोड़ा कचरा भूक्को भाजप में गयो छे तेम कह्युं। पाटणना कांग्रेस धारासभ्य डॉक्टर किरीट पटेले शिक्षण मंत्री ने पत्र लख्यो, जेमां पाटण यूनिवर्सिटी में गैरकायदेसर रीते भर्ती मेळो थतो होवाना आरोप साथे रजूआत करवामां आवी। यूनिवर्सिटी एक्ट और सरकार की सूचनाओं नजरअंदाज करीने भर्ती की निमणूक करवामां आवी रही छे तेवा आक्षेपो थया। आसिस्टंट रजिस्ट्रार, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, नायब इंजीनियर, एकाउंटर ऑफिसर और ग्रंथपाल जेवी भर्ती करवामां आवी रही छे। गुजरात प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जगदीश ठाकोर की समी तालुकाना वराणा गाम में ठाकोर समाज द्वारा साकर तोला करवामां आवी, त्यारबाद राधनपुर में धर्मसभा आयोजन करवामां आव्युं। आ प्रसंगे राधनपुर शहर मार्ग पर जगदीश ठाकोर की उपस्थिति में भव्य रेली आयोजन थयुं। आगामी विधानसभा की चूंटणी ने ध्यान में राखी ठाकोर समाज द्वारा शक्ति प्रदर्शन करवामां आव्युं। आगामी गुजरात विधानसभा की चूंटणी ने लईने भाजपे कमर कसी, तेमज 11 सप्टेम्बरे अमदावादना टाउन होल में भाजप युवा मोर्चे दिग्विजय युवा दिवस की उजवणी करशे। भाजपा युवा मोर्चो 2022 की विधानसभा चूंटणी पहला आ सम्मेलन थकी शक्ति प्रदर्शन करवा जई रह्युं छे, जेमां केन्द्रीय गृहप्रधान अमित शाह पण हाजर रहेशे तेवी शक्यता छे। 2022 की विधानसभा चूंटणी में युवानों ने भाजप तरफ आकर्षवा भाजप कवायत हाथ धरी रह्युं छे, जे अंतर्गत आयोजित आ सम्मेलन में सदस्यता अभियान हेठ नवा वरायेला युवानों ने भाजप आवकारशे।
अमदावाद में कोळी समाज तेमज ओबीसी आगेवानोनी मीटिंग मळी जेमां ओबीसी समाज पर थयेला केस पाछा खेंचवानी मांग करवामां आवी। गुजरात कोंग्रेसना कार्यकारी अध्यक्ष ऋत्विज मकवाणाए कह्युं के कोळी समाज अने ओबीसी आगेवानोनी मांग योग्य छे। गुजरात में वस्ती गणतरी थवी जोईए। गुजरातनी वस्तीना आंकड़ा चोक्कस नथी, जेना कारणे चोक्कस ज्ञातिओने सरकारी लाभो मळता नथी। पछात वर्गने थतो अन्याय कोंग्रेसनी सरकार बनता ज दूर करशे। आनंद सागर स्वामी नो महादेव पर विवादित वीडियो वायरल थयो। वीडियो मुद्दे विवाद वधता हवे आनंद सागर स्वामी पोतानी भूल स्वीकारी अने माफी मांगी। महत्वनुं छे के आनंद सागर स्वामी हरिधाम सोखड़ाना प्रभु स्वामी ग्रुपना स्वामी छे। तेमणे अमेरिकामां महादेव पर विवादित निवेदन कर्युं जेथी सनातन भक्तोनी लागणी दुभाई अने जिल्लामां पोलीस फरियाद नोंधावानी चीमकी पण आपी, जे बाद आनंद सागर स्वामी नवो वीडियो जाहेर करीने माफी मांगी। गुजरात प्रदेश भाजप द्वारा आगामी विधानसभा की चूंटणी तैयारी धमधमाट जोवा मळी रह्यो छे। अलग अलग पांच राज्यों कार्यकरो चूंटणी प्रचार माटे गुजरात में आया। यूपी राजस्थान कार्यकरो बे दिवस गुजरात मुलाकाते छे अने बे दिवस में चूंटणी रणनीति घड़शे। झोन प्रमाणे अलग अलग राज्यों ने जवाबदारी सौंपवामां आवी। कांग्रेस काश्मीर थी कन्याकुमारी सुधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है। सूरत में कांग्रेस प्रवक्ता आलोक वर्माए प्रेस कॉन्फरेंस करी मोदी सरकार पर आकरा प्रहार कर्या। वर्माए भारत जोड़ो यात्रा अंगे कह्युं कि आ प्रकारनी यात्रा भारतना इतिहास में प्रथम वक्त योजावा जई रही छे, जेमां 150 दिवस में 3500 किलोमीटरनी यात्रा पूर्ण करवामां आवशे। कांग्रेसे कह्युं कि आ यात्रा में कोई ड्रामा के नौटंकी नहीं थाय, अमे भाषण प्रवचन अने मननी वात करवाना मूळमां नथी। आ यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओ लोकोनी वच्चे जशे अने तेमनी वात सांभळशे।